नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका। प्रियंका टेक रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक फिर से नई रेसिपी। हमारी ये नारियल की बर्फी है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनती है। आप एक बार ज़रूर घर में ट्राई करें। ये व्रत में और प्रसाद में भी बनाए जाते हैं और आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने ले लिया एक नारियल, उसको फोड़ के निकाल लिया है। कच्चा नारियल है, पानी वाला जो हमारा आता है प्रसाद में चढ़ाने के लिए, वो वाला नारियल है। तो हम इसका अच्छे से छिलका, जो ब्लैक वाला होता है, उसको हम उतार लेंगे। देखिए ये छिलनी से अच्छे से आसानी से निकल जाता है। तो हमने सारे नारियल का छिलका और निकाल लिया है। अब इसको हम कद्दूकस करेंगे। या तो आपके पास मिक्सी का जार है तो आप मिक्सी में पीस सकते हैं छोटा छोटा टुकड़ा काट के। तो देखिए दोस्तों, हमारा कद्दूकस हो गया है। हम इसको अब माप कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा एक कटोरी से डेढ़ कटोरी है। डेढ़ कटोरी में हमारा आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी पड़ेगा, जैसे कि एक कटोरी में आधी कटोरी चीनी पड़ेगी। हमने कढ़ाई गैस पे रख लिया है और इसमें हम डाल लेंगे और उसके बाद चलाते हुए थोड़ा सा भूनेंगे। आप गैस का फ्लेम मीडियम रखें। और दोस्तों, इसमें बस ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें थोड़ा सा हमें बस चाहिए दूध की मलाई। आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो 2-4 चम्मच आप इसको बस थोड़ा सा, मतलब इतना दूध ले सकते हैं। तो हमने मलाई को डाल दिया है। अब इसको अच्छे से चलाएंगे और इसमें हमने डाल दिया है आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी। अब इसको चलाते हुए भुनेंगे। इस चीनी की वजह से थोड़ा सा नीचे पकड़ रहा है, तो हम गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम कर देंगे और कम कर देंगे और उस पर भुनेंगे इसको, जब तक हमारी चीनी मेल्ट ना हो जाए। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो लेकर आऊँगी अच्छी अच्छी तो दोस्तों, हमारा चीनी भी मेल्ट हो गया है। हमने ट्रे में थोड़ा सा घी ग्रीस किया था और इसमें हम सारा निकाल लेंगे। और दोस्तों, निकालने के बाद अच्छे से हम इसको दबाते हुए कर लेंगे। जितनी मोटी हमारी बर्फी बनती है उतने मोटे हम इसको दबाएंगे और इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। तो दोस्तों, हमारी बर्फी ठंडी हो गई है। तो हम इसको काट लिए हैं, अपने हिसाब से काटें। अपने जैसे आप खड़ा काटना चाहते हैं या लंबाई में थोड़ा काटना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से काटें। तो देखिए दोस्तों, हमारी बर्फी रेडी है। हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, हमने सारी बर्फी को एक प्लेट में निकाल लिया है। और दोस्तों, सब लोग अच्छे से बहुत ही चाव से खाते हैं इसको घर में। बच्चे, बूढ़े और पड़ोसी तो आपके देखते रह जाएंगे, बोलेंगे कि उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों, बाय।